हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यार सबसे पहले तो भूरी ये बताओ, दूध सप्लाई करने निकली थी तुम, कस्टमर लोग के हमें फोन आ रहा है, हाँ। क्यों नहीं पहुंचा दूध? जीजू वो एक्चुअली ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा एक्सीडेंट? तू चींटियों के नीचे आ गई थी? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कप्पू यार हर वक्त ना मजाक अच्छा नहीं लगता। तेरा नहीं अच्छा लगता, हमारा तो अच्छा लगता है। तुझे बात पता है, रिपीट टेलीकास्ट आता ना जब, हाँ। तेरा काट देते उसमें से। बोरी मेरी बात सुनो, सोनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है, मैं उनसे बात करके तुम्हें रिपीट टेलीकास्ट में काम दिलवा दूंगा। सोनी साहब तेरे साथ इधर ही उठते बैठते हैं? तो कहीं और लोकेशन है तुम लोगों की? नहीं हमारा उधर बैंड्रा पे मिलना होता है सारा। अच्छा। इसको साइड से खुलवा, अंदर हवा जाए तेरे। सोनी साहब के साथ उठना बैठ रहा है। देखो यार तुम आते हो नहीं आते हो उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूध क्यों नहीं पहुंचाया यार? वो जीजू एक्सीडेंट में सारा दूध बह गया। ये लो यार, हमारी साली ने दूध की नंदिया ही बहा दी आज। थैंक्स जीजू। ए छुटुंदुरी कहीं के, तुम ना मर्द के कपड़े पहन के मैं अंदर मिलो, आज एक मर्द दूसरे मर्द से बात करेगा। ए औरंगजेब के हिलेले हाथी, ज्यादा बकवास की ना तो सूंड से ऐसा पकड़ के घुमाऊंगी ना, सीधा जाके क्वीन विक्टोरिया के गोद में गिरेगा, समझा? बड़ा आया यहाँ। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, अच्छी बात है, क्वीन विक्टोरिया की गोद में गिरे हैं हम। हाँ हाँ। अच्छा फिर क्या होता है? फिर गोद टूट के बिखर जाती है। टूट गई फट गई ऐसी बातें ही करते हैं ना आप बस। यार अच्छे खासे क्वीन विक्टोरिया की गोद में थे हम, टूटवा दी ना गोद। सपना हाँ चलो निकलते हैं यहाँ से यार, तुम्हें तुम्हारे घर तक हम लिफ्ट देते। हाँ चल चल टाइम पास हो जाएगा तेरे साथ। अरे आ जाओ लेना थोड़ा। नहीं नहीं यार ये तुम खाओ, तुम्हारा यहाँ पर है, जाओ। पूरा पपीता खा रही है। भूरी कब तक तुम तबेले में चारा काटती रहोगी, आओ थोड़ी सी जिंदगी काट लेते हैं। आहा। तुम्हारी साथ जिंदगी काटने से अच्छा मुझे कुत्ता काट ले। इधर कविताएं मिलाती रहना, कुत्ता काट ले चारा काट ले, ये नहीं कि थोड़ा सा रिश्ता बना ले हम। चंदू तुमको कितनी बार कहा है ये मेरे पढ़ने लिखने की उम्र है। बर बुरी मुझे तो तुम अनपढ़ गवार क्यूट लगती हो। अनपढ़ गवार होगी तुम, समझ में आया? मैं तो पीएचडी के सेमिनार रखती हूँ लोगों के लिए। बड़े सेमिनार लगाती तू, रेडी पे सेमिनार लगाती है, अनार लगाती है, अनार 50 के 200 के 5। उस दिन तो इसके सेमिनार नाली में गिर गए थे, बाहर से आए विदेशी गोताखोर ऐसे नाली में इतने इतने घुस के अनार निकाले। झूठ बोलती है। भूरी तुम 100 के 5 अनार देती हो, अर्चना जी तो 100 के 6 देती है। चंदू तुम पूरा दिन गाड़ियों पे कपड़ा मारते हो, कभी अपने दिमाग पे भी मार लिया करो। किसी गरीब के पास नहीं हो तो किस पे मारे कपड़ा वो? ओए उसको कपड़ा मारना नहीं कहते, उसको क्लीनिंग एडवाइजर कहते हैं। चंदू कुत्ते को तुम कुत्ता बोलो या डॉगी बोलो, हिलाना उसे पूंछ ही है। इसको बड़ा पता है। पार्ट टाइम सर्कस में लंगूर ट्रेन करती है। अर्चना मैम अगर ऐसा होता ना तो अब तक इसके दोस्त को मैं ट्रेन कर चुकी होती। खबरदार अगर दिनेश के बारे में कोई बात की तो। पूरी मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो हम कछुए तो हैं नहीं कि 400-500 साल तक जिएंगे, हैं तो हम इंसान ही ना। देखो थोड़ी सी उम्र मैंने निकाल दी ओए होए करके और तुमने पत्ते खेल करके निकाल दिए, थोड़ी सी बची है, लेट्स सेलिब्रेट। अच्छा सेलिब्रेट, बड़ा सेलिब्रेट करने का तुम्हें शौक है ना, तुम्हारी सेलिब्रेशन में तुड़वाती हूँ। प्लीज मीट माय बॉडीगार्ड। पूरी मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो हम कछुए तो हैं नहीं कि 400-500 साल तक जिएंगे, हैं तो हम इंसान ही ना। देखो थोड़ी सी उम्र मैंने निकाल दी ओए होए करके और तुमने पत्ते खेल करके निकाल दिए, थोड़ी सी बची है, लेट्स सेलिब्रेट। अच्छा सेलिब्रेट, बड़ा सेलिब्रेट करने का तुम्हें शौक है ना, तुम्हारी सेलिब्रेशन में तुड़वाती हूँ। प्लीज मीट माय बॉडीगार्ड। एक मिनट, तुम्हारी मुंह दिखाई हो गई हो तो मारपीट शुरू करे। ओए मालिक का मूड खराब करते हो, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। मैं निकलो यहाँ से? अब मैं दोस्ती कोटे में नहीं आया हूँ, सिफारशी कोटे में आया हूँ। ओ चेक कर तुम किसी मिन्नत कोटे पे आए होगे।
तुझे बड़ा कोटे का पता है? ऐसा तो नहीं है कि रोज शाम को कोटे पे जाके तू डांस करता है? हाँ, आजा, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गया, आजा, आजा, आजा। कपूर शर्मा, एग्जैक्ट ऐसी वाली बेइज्जती चाहिए मेरे को, सुपर बेइज्जती करनी है। पैसे की तुमने टेंशन नहीं लेनी, वो तुम्हारे पास बहुत है। देखो कपूर शर्मा, ये देखो, सोनी साहब ने मुझे यहाँ पर हेड वॉचमैन रखा है। ओ, अच्छा। तुझे थप्पड़ मार के बच्चे कुल्फियां छीन के ले जाते हैं, तू क्या इतने वॉचमैन लगेगा बे? चल हट। बहुत छीन वाली कुल्फियां ठाकुर ने अपनी, अब ठाकुर दूसरों की कुल्फी छीनेगा, जरा बता मेरे बारे में। ओए, जितनी तुझे मूंछें नहीं आती ना, उससे ज्यादा इसके अपर लिप्स आ जाते हैं। तू आया इधर, फूटल बता हमें। तुम दो मिनट मुझे भूल नहीं सकते ना, हमेशा तुम्हारे होंठों पे मेरा नाम लगा रहता है। प्याज खा के आई ना तू? कपूर, तुम्हारी भाभी है, थोड़ा ध्यान से। ठाकुर, चंदू, ढोलकी के नाम तो मैं भी बोल सकती थी ना, अकड़ दिखा उसे। दिखा अकड़ भी, दिखा अकड़, दिखा अकड़, दिखा बे, चल दिखा अकड़, दिखा दिखा अकड़, दिखा इधर अकड़, दिखा एक मिनट, दिखा अकड़ यार, एक मिनट यार, ये तो तुम चल दिखा अकड़, दिखा अकड़ इधर यार, ये लोग, तुम लोग तो मेरे पे प्रेशर बना रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे विराट कोहली 99 पे बैटिंग कर रहा है। बहुत दिन हो गए थे हम सोच रहे थे विराट कोहली को बुलाएंगे, आज ये जो तूने बात की है ना, विराट कोहली खुद आके मारेगा तुझे, देख। कपूर शर्मा, सोनी साहब ने ना मेरी ड्यूटी लगाई है कि अब कोई भी ढीठ आदमी अंदर नहीं आ सकता। अर्चना जी देखो बोल कौन रहा है। अर्चना जी देखो सुन कौन रहा है। कपू, मेरी बात सुनो, ठाकुर अब पहले वाला ठाकुर नहीं रहा। मतलब जो पहले था उतना भी नहीं रहा? मतलब बेड़ा ही गर्क हो गया? नहीं नहीं नहीं, अरे भूरी, ये तेरे में कैसा टैलेंट है यार, ढंग से बता मेरे बारे में। ठाकुर मेरी सुरक्षा करेगा और सोसाइटी की निगरानी रखेगा। अच्छा, हाँ, मैंने पसंद आया। थैंक यू मिस भूरी, आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस चीप पीपल। या जस्ट योर जॉब। वाह वाह वाह, देखो बातें, कॉन्वर्सेशन देखो इनकी, जैसे दो विदेशी जाला उतारने वाले मंत्री आपस में बातें कर रहे हैं। वाह, क्या है मुरी, तुम अब तक यहीं खड़ी हो? ठीक है। आहा, तो ये है तुम्हारी कॉमेडी। बच्चा यादव देखो मैं आ गया। अरे यार ठाकुर आ गया, ठाकुर आ गया, अर्चना जी ठाकुर आ गया, अब हमारा टीआरपी मीटर कहीं फट ना जाए। आया पड़ा। मैं आ गया, जैसे तुम तो IIT का एग्जाम देकर आए हो ना, लोकल बस के पीछे लटक के ही तो आए हो, अब जाने का क्या प्लान है भाई? गए दिन वो जाने वाले बच्चा यादव, वहीं से बोलो। ओके, क्या नाम है? सोनी साहब ने मुझे यहाँ पर हेड वॉचमैन रखा है और अब कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आएगा। क्या जमाना आ गया है, बाहर का आदमी हमें आके बता रहा है कि बाहर का आदमी अंदर नहीं आएगा, और बाहर की लेडी इस बात पे हंस भी रही है। बच्चा पेट अंदर खींच, मुझे बैंड वाले नजर नहीं आ रहे। अरे अरे वाह ठाकुर साहब, आइले आप लोग को एक बात बताऊं, हमारे सोसाइटी के नल में ना पानी बाद में आता है, ठाकुर पहले आ जाते हैं। बहुत अच्छे, तमीज से बात कर, ये ना कि नल में पानी आने से पहले तेरी आंखों में पानी आ जाए। अब वहीं से बोल, बोल। बच्चा यादव तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जरूर, गेट आउट। जीजू प्लीज रख लो ठाकुर को। अच्छा तो फिर तू निकल, चल तू निकल, इसको निकालो। बुरी, इसीलिए मैं कभी किसी की सिफारिश नहीं करता, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक काम करो, इसका इंटरव्यू ले लो। ओहो, इंटरव्यू ले लो। तुझे तो सोसाइटी में रखने से पहले इंटरव्यू हुआ था तेरा? इंटरव्यू हुआ, इसका कभी अंडरवियर नहीं प्रॉपर से हुआ। जो भी,
यार कपिल शर्मा एक बात बताओ, आपके नाम पर अगर शो है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी बोली जाओगे। ये क्या मतलब इंटरव्यू अंडरवियर, कोई बात नहीं बनी। मुझे तो हंसी आई। किसी को हंसी नहीं आई, मुझे तो बहुत आई। ओए मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मेन मेन बंदों की बात कर रहा हूँ। और मेन बंदे तुम्हें हंसी आई? लो ए ठाकुर साहब, पहले ये बताओ कि हमारे मोहल्ले के लिए तुम करोगे क्या? मैं ये देखो, तुम्हारे मोहल्ले में जो ड्रैगन फ्रूट पड़ा है, इसके अंदर से कभी अगर ड्रैगन बाहर आ गया तो मैं सारे मोहल्ले की सुरक्षा करूंगा। तो टेंशन मत ले, ड्रैगन बाहर आएगा ना, मैं उसकी मसाज कर देगी, वो वापस अंदर घुस जाएगा। तू जा, तू जा। तुम जैसे लोगों की वजह से ना हिंदुस्तान में ड्रैगन वाली फिल्में नहीं बन रही हैं। ये आज भी खुश हैं कि बस गंगाधर शक्तिमान। ओए ओ बंद दरवाजा और वीराना जैसी फिल्मों को देखकर बड़े हुए इंसान। वीराना तो हमने भी देखी है, क्या प्रॉब्लम है वीराना में भाई? क्या प्रॉब्लम क्या है वीराना? आराम से पूछा करो, सारा शरीर लेकर इधर आ जा देते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी फिल्म है वीराना। फिर मैंने कब बोला अच्छी फिल्म? फिर मैं तो बंद दरवाजा की बात कर रहा था। बंद दरवाजा मैंने देखी है, मैंने देखी। क्या प्रॉब्लम है बंद दरवाजा में बोल? देखो बंद दरवाजा भी बहुत अच्छी थी, मैंने कोई बुरी थोड़ी कहा है, बहुत बढ़िया फिल्म थी, बहुत अच्छी। एक बात बताओ, आप लोग दोनों ने पापी गुड़िया फिल्म देखी है? पापी गुड़िया नहीं, नहीं ये नहीं, नहीं। ओए पापी गुड़िया फिल्म देखकर पड़े हुए। देखी है पापी गुड़िया, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है पापी गुड़िया बताओ? बहुत बढ़िया फिल्म थी, ऑस्कर मिलना चाहिए था उसको। वो तो इसके देखने का नजरिया बड़ा गंदा है, इंटरवल होता है सुसु करने चला जाता है। देखो चुड़ैलों को सीढ़ियां मारता है ये। नहीं नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, मैं पूरी सोसाइटी की सुरक्षा करूंगा चारों तरफ से। तीन कुत्ते मैं घर से लेके आऊंगा। ए चारों तरफ की सुरक्षा करेगा तीन कुत्तों के साथ? हाँ तो चौथा तो ऑलरेडी है ना। इधर आ जरा, पांच मिनट से मैं उधर चुप करके बैठा हूँ, मुझसे बात नहीं बन रही, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे लव के सामने तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकलेगा, मेरी तरफ से ठाकुर के लिए हाँ है। हाँ। इसके पैदा होने से पहले ही मेरी तरफ से ना है। आप बोलो। हाँ और मेरी तरफ से भी ना है, आप बंबई नहीं आ सकती। मैं इधर इंडियन आइडल का ऑडिशन देने आया हूँ कि मुंबई नहीं आ सकता? मैं नहीं जाऊंगा कप्पू, मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मैं तेरा बाबू हूं तो तू मेरी बहू है, नहीं छोड़ के जाऊं? जा छोड़ के जा, टाइम पे जा। तो ठीक है फिर, अगर किसी ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की ना तो तुम्हारा ये ड्रैगन फ्रूट आज फोड़ दूंगा। फट जाएगा, नीचे रख। चल ठीक है, और महंगा है, कस्टम पड़ती है इस पे। इधर देख यार कपिल, मैं भी तेरा दोस्त हूँ यार। दोस्तों हाँ। भूल जाओ ये मेरा दोस्त है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।